अभी टाइम हो रहा है 11 और मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ ये वाली क्लिप जोड़नी है और मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको नहीं बताया और ना ही दिखाया ये वाली कैप और ये वाला जो इसके साथ का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सही मस्त मजे में रह रहे होंगे। तो भाई पिक्चर शो आ रहा होगा तो थोड़ा उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि भाई जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ मम्मी तभी ना तब धप धप करती रहा, मतलब बर्तन से अगर बर्तन साफ करें तो खैर आवाज़ भी आ ही जाती है। चलो कोई नहीं, वो तो आप एडजस्ट कर ही लोगे। तो आज था मेरा लास्ट पेपर था हिंदी का, वो जो कि यार आज जो मानते हैं कि भाई सबसे इजी सब्जेक्ट है हिंदी का। चलो कोई नहीं, इजी सब्जेक्ट तो है, लेकिन भाई तुम एक बात बताओ यार, मेरा क्यों इतना बुरा चला गया? मैं भाई सही सच बात तो बताऊँ, बस मैं ये वाला पेपर में पढ़ के नहीं गया था बस, और तो बाकी सारे पेपर तो सही गए थे। और मैं अभी स्कूल से आ चुका हूँ और आज हम स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी। खैर आज तो स्कूल वालों ने इतना तरस खा लिया हम पे कि चलो आज इनकी जल्दी छुट्टी कर देते हैं, उसके बाद इन्हें घर भेज देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी भाई। सुबह हमारे यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री, मैंने खुद अपनी आँख से देखा। सुबह स्क्रीनशॉट लेना भूलिए, नहीं तो मैं अभी दिखा देता तुमको भी। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30, स्कूल वालों ने इसलिए जल्दी छुट्टी कर दी क्योंकि डीएम कोड आ गया था कि इतनी जल्दी छुट्टी कर दो, 10 बजे से 2 बजे तक होती है। खैर मैं इस टाइम तक आता, लेकिन मैंने खाना पीना खा के मैं आराम से बैठा हूँ, मतलब अब बैठ जाऊँगा, रेस्ट करूँगा थोड़ा सा भाई, क्योंकि कल रात सोया था मैं 12:30 बजे के करीब, क्योंकि एडिट करी थी, और सुबह उठा था 8 बजे भी शिवम भाई का फ़ोन आ गया, कह रहा भाई उठ जा, क्योंकि भाई मुझे जितने भी पेपर हुए ना हर में शिवम भाई ने उठाया, तो भाई शिवम भाई थैंक यू दिल से। तो अभी मैं रेस्ट कर लूँ, फिर मिलूँगा यार, आज ट्यूशन भी है यार। तो जब ट्यूशन का टाइम आता ना बहुत गंदा लगता। चलो कोई नहीं, अब 1 घंटे में क्या जा रहा, आज हम 6 घंटे स्कूल में बैठ कर जाते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:15 और भाई मैं उठ चुका हूँ, क्योंकि भाई मैंने बोला था ना मैं रेस्ट करूँगा, रेस्ट करते करते 5 बज गए, पता नहीं चला कि आज मेरे सारे पेपर खत्म हो गए, इसलिए आज मैं ट्यूशन भी नहीं गया। तो भाई ट्यूशन नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, भाई मम्मी चिल्ला रही थी कह रही ट्यूशन नहीं गया। वैसे मम्मी जी की सही बात है, अब आज पेपर खत्म हुए हैं तो भाई रेस्ट तो बनता ही है। लो भाई मौसम देख लो कितना सेट हो रहा, भैंस की टोंग देखियो रे, लो इधर का देख लो, इधर तो कुछ है नहीं घमासान युद्ध सा, इधर है भाई जो मौसम हो रहा है भाई। सनसेट डूब गया भाई, सनसेट नहीं डूब ही गया वो। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, तो भाई देख लो यार मैंने वो डाल रखी है, तो चलो चलता हूँ अभी नीचे। पापा जी बाहर आए हुए हैं, कह रहे हैं कि गाजर ले जा, गाँव से आए हुए हैं, अब पहले उनकी गाजर ले कर मम्मी को देनी है, फिर मैं दोबारा जाऊँगा नीचे। तो गाजर यार, गाजर का हलवा बनता है, सारी बात तो ये, जब गाजर का हलवा बनेगा ना तो मैं तुम्हें वीडियो बना दूंगा मम्मी कैसे कैसे बनाती है, क्या क्या डालते हैं गाजर का हलवा में, ठीक है? अभी पहले मैं नीचे पहुँच जाऊँगा गाजर लेना। सो गाइज मैं इसको ढूंढते मैं आ गया नीचे, क्योंकि इसको जाना है गाँव में पापा के पास। और ये देख रहे हो भाई, देख रहे हो कहाँ कहाँ जा रहा है, किसे देख रहा, चलना है भाई, है क्या कर रहा है खड़ा, तो आ जा तेरे पापा आगे, हाँ धुआं निकल रहा भाई मुँह से, कोहरा पड़ रहा। चल एक बार बाहर तक चलते हैं, कपड़े वपड़े तेने लेने तुझे कपड़े है, आ जा चल जल्दी आ, चल भाई मार दो यार, मार दो भाई, हाँ अभी आ, चल एक बार बाहर तक चल ले, फिर एकदम पाप क्या पता अंदर ही आ जाए, है ना? बाहर खड़े? अभी आने वाले हैं बस बाहर, चल भाई ना यार, पापा को रास्ता नहीं पता, नहीं तो पापा घर नहीं आ जाते। चलो चलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं इधर। तो अभी गाइस मैं बाहर से तो आ गया, लेकिन पापा जी नहीं आए, पापा जी कहने लगे तेरी बहन आ रही है, मतलब कि दीदी आ रही है, वो घर पे ही देके चली जाएगी आप। तो भाई मैं गार्ड अंकल के पास बैठ गया था थोड़ी देर, तो इन्होंने देखा तो भाई लगा रखा अपना सिस्टम पानी, भाई देख रहे कितना रेडिश कलर हो रहा है भाई, इसको देखियो वो रत्तेरी भाई देख, कितना कैड़ा लग रहा है ना इसे, और ये भाई भी तो कैड़ा लग रहा है भाई, देखो यस तो कैड़ा लग रहा है, किसने बोला देर से बोला। तो भाई इतनी गरम गरम वो आ रही है ना लपट, अभी मेरे यहाँ पर फूक गया यार, मतलब कि बैठ के ना पूरा आनंद आ रहा, घर पर जाके अपना हीटर ऑन करो, कंबल में मुंह दो और सो जाओ बस, इस टाइम तो कोई भारी मत निकलो। मैं तो इसलिए निकल गया था भाई तुम्हें, और मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी, क्यों लग रही है, इसलिए लग रही है क्योंकि भाई ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा, मेरा जुकाम जा नहीं रहा, स्कूल जाता हूँ तो नोक बिल्कुल लाल हो जाओ, बिल्कुल लाल है हर सब्जी यार, दिस इज नॉट गुड, छुट्टी करवा दे हमारे स्कूल की एक बार। ओम क्रीम क्रीम से काम होने लगता तो अभी तक पता ना साल दो साल की छुट्टी पड़ जाती है हमारे स्कूल की, बालक वाला
सो गाइस मैं भी आ चुका हूँ जिम से, मतलब कि भाई लोग मिले थे वहां पे, पहले हाथ सेक रहे थे। डेली का रूटीन है सबसे पहले हाथ सेकना, फिर उसके बाद जिम जाना, और जिम के बाद है अपना घर जाना। और लिफ्ट देख लो कौन से फ्लोर पे आ गए यार, फ्लोर पे लोगिंग बंद करनी पड़ेगी। पापा जी घर बैठे हैं तो कहनी पड़ेगी यार हमें कहाँ से आया। तो 800 लोग हैं यार, 8 बजे तक का टाइम था, मतलब कि 8 बजे तक का टाइम कैसे था, पहले घर चला जाऊँ फिर बात करता हूँ। गाइस मैं भी आ चुका हूँ घर पर, और टाइम हो रखा है 8 बज के, मतलब जो मैंने तुम्हें टाइम बताना है 8:30 बजे। और अभी भाई मम्मी जी ने दिया है मेरे लिए रस की खीर, जो भी तुम्हें किसी को नहीं पता भाई बहुत टेस्टी होगा, जो कि गाँव वाले होंगे जो भी गाँव से भी लोग देखता होगा तो भाई उन्हें पता होगी क्या होता है रस की खीर। ये है भाई रस, है ना, रस की खीर, और ये है दही। तो ये खीर किससे बनती है अभी भाई मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसलिए जाता हूँ मम्मी जी के पास, मम्मी जी से पूछता हूँ। वैसे जहाँ तक है मेरे हिसाब से ये जो है, ये वाली जो खीर है ये होता है गन्ना, गन्ने का जो रस निकालते हैं, रस और रस से रस और वो मिलाते हैं सर। रस और क्या मिला हुआ सर भाई? रस और चावल, रस और चावल मिला के भाई ये रस की खीर बनती है। खीर इसलिए क्योंकि इसमें चावल मिलाए जाते हैं, जिसमें चावल नहीं मिलाए जाते खिचड़ी खीर भाई इन सब में चावल मिलाया जाऊँगा भाई। खाने बहुत टेस्टी लगे, मैं पहले खा के दिखा दूँ तुम्हें। यहाँ से उठाया मैंने, रुको मैं थोड़ा सेट सा कर लूँ यार, मैं सेट सा नहीं बैठ पा रहा। हाँ आप दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा ना भाई, मज़ा आ रहा है पूरा पूरा। सन्नी भाई की एरी, मेरी एरी। तो यार वैसे एक बार चेक कर लूँ, वैसे एक बार टेस्ट पता नहीं चलता ना, सब पहले दूसरी बार खाना भाई। इसको नहीं पता भाई, ये होती है मिट्टी और इसमें दही इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि अगर तुम ऐसे खाओगे तो तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है भाई, दिक्कत आ सकती है बॉडी में। मतलब वैसे दिक्कत नहीं है, वो है दो चार दिन की प्रॉब्लम, अब तुम समझ सको तो समझ जाइए वरना कोई बात नहीं भाई। वहाँ चल लिए मूँगफली, और मैंने देख लो गज्जर खा के, वो गाजर खा के कहाँ फेंक दिए, इसको उठा लो यार मम्मी, नहीं तो मेरे आके मुझे फेंक देंगे घर से बाहर। शाबाश बेटा, बहुत। और भाई खा लो भाई, सुनो तुम्हारी है वाली, अभी खाऊंगा भाई, पहले यार मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी कोई सी मिल नहीं रही। तो नेटफ्लिक्स पे देख लो ना, वीडियो वो आई है क्या, वीडियो मूवी उसे देख रहा हूँ। अच्छा भाई मैं तो अभी इसे खाने में व्यस्त हूँ, फिर मिलूंगा आपसे, पहले इसको फिनिश कर दो पूरी। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11 और मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ ये वाली क्लिप जोड़नी है। और मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको नहीं बताया और ना ही दिखाया, ये वाली कैप और ये वाला जो इसके साथ का, ये मैंने ऑर्डर करा था अमेजोन पे भाई, बड़ा महंगा दे दिया यार, 799 रुपये का ये। और इसके साथ ये मैं सोच रहा था ये थोड़ा लंबा आएगा बहुत, मतलब जो यहाँ से लेके मुँह कवर हो जावा है जिससे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई ये देखो भाई कुछ ऐसा सा लग रहा है यार, वैसे अच्छा लग रहा है ना, ठंड तो भाई कैसा भी हो लेकिन ठंड रुकनी चाहिए, अंदर से भी बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है यार, इसलिए मैंने अंदर हाथ दे रखा। तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही, आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।